अपना शतक पूर्ति वर्ष मना रहे राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में इन दिनों लगातार एक के बाद एक विवाद हो रहे हैं। कभी राज्यपाल से तो कभी हाई कोर्ट से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लिए गए अवैध फैसले को निरस्त किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में कुल मिलाकर चल रही इस कार्यप्रणाली के खिलाफ पूर्व कुलगुरु डॉक्टर सिद्धार्थ विनायक काने, पूर्व प्रोफेसर कुलगुरु डॉक्टर विनायक देशपांडे, पूर्व अधिष्ठाता डॉक्टर श्रीकांत कोमवार, पूर्व राज्य शास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर मोहन काशिकार और पूर्व जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर श्याम धोंड खुलकर सामने आए हैं। बुधवार को उन्होंने पत्रकार परिषद लेकर अपने विधावेद नामक संगठन की आधिकारिक शुरुआत कर दी। यह संगठन राज्य के विविध विश्वविद्यालयों खासकर नागपुर विश्वविद्यालय में हो ही विविध अनियमितताओं के खिलाफ प्रशासनिक स्तर से लेकर न्यायालय तक आवाज उठाएगा। संगठन अध्यक्ष डॉक्टर काने ने कहा कि नागपुर विश्वविद्यालय उनकी कर्म भूमि रही है, लेकिन नए कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी के पदभार संभालने के बाद से ही विश्वविद्यालय में विवाद अत्यधिक बढ़ गए हैं। डॉक्टर काने के अनुसार उन्होंने स्वयं MKCL कंपनी से परीक्षा का कामकाज छीन कर उसे विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया था, लेकिन डॉक्टर सुभाष चौधरी कौन सी मजबूरी में कंपनी को वापस ले आए है ये समझ के बाहर है। डॉक्टर काने के कार्यकाल में परीक्षा विभाग का जो कार्य सुगम रूप से चल रहा था, वहीं परीक्षा विभाग आज बुरी तरह चरमराया हुआ है। वहीं विश्वविद्यालय के PG विभागों में पर्याप्त नियमित शिक्षक ना होने के बावजूद रातों रात उन्हें स्वायत्त घोषित कर दिया गया। हाँ ऐसा हो ना, कारण आम्ही जे 5 जन है ना, तस पहा हेटेरोजीनियस हा ग्रुप है। मी कुलगुरु म्हणून 5 वर्ष विद्यापीठाचं काम केलं। देशपांडे सर माझ्या आधी, म्हणजे त्यांच्याचकडनं मी कुलगुरु पदाचा कार्यभार सांभाळला। त्याच्या आधी ते प्रकुलगुरू होते, कुलगुरू होते, माझ्या कार्यकाळात देखील प्रकुलगुरू होते, यांनी रजिस्ट्रारचं पदही काही दिवस सांभाळलं, प्लस ते डिपार्टमेंट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंटचे विभाग प्रमुख, मॅनेजमेंट सर्व वाटेल तेवढ्या ज्या काही समितीज असतात त्याच्यावर त्यांचा दांडगा अनुभव। डॉक्टर कोमावार प्राचार्य म्हणून निवृत्त झाले, असं तसं नाही तर लॉ कॉलेजचे, तर त्याच्यामुळे लीगल आस्पेक्ट जो आहे एक हँड आमचा लीगल आस्पेक्टमध्ये अतिशय एक्सपर्ट। आम्ही ॲडमिनिस्ट्रेशन, अकॅडमिक ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये सगळे इन्स अँड आउट्स माहिती असणारे विद्यापीठाचे मंडळी। मोहन काशिकर सर पॉलिटिकल सायन्सचे विभाग प्रमुख म्हणून निवृत्त झाले, तर पॉलिटिकल सायन्स हा विषय म्हणजे संपूर्ण घटनात्मकरित्या कसं कार्य चालावं देशाचं वगैरे, म्हणजे पॉलिटिकल सायन्स इज समथिंग विच सपोर्ट्स ऑल सच टाईप्स ऑफ थिंग। आणि श्याम धोंड आमचे जे सहकारी आहेत ह्यांचा एकंदरीतच व्यापक असा व्यासंग आहे, साहित्यिक व्यासंग वगैरे, आणि त्यांचं जो अँगल आहे विचारसरणी करायचा तो अँगल देखील विद्यावेदच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा राहील असं आम्हाला वाटतं। म्हणून आम्ही असे 5 जण विविध एकाच विषयाचे 5 जण असते तर मग ती वेगळी गोष्ट राहिली असते। आम्ही विविध विषयांचे 5 जण आहोत, विविध पदं उपभोगलेले आहोत, त्याच्यामुळे याचं जरूरच आम्हाला आणि समाजाला याचा फायदा होईल अशी आम्हाला खात्री आहे। NBC न्यूज के लिए अजित कुवर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।